नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, करण की वापसी हो चुकी है और करण लूथरा हाउस में आ चुका है, क्योंकि करण के ही आगे आप लोग देख रहे होंगे कि प्रीता और ऋषभ की जो कि बॉन्डिंग देखने को मिल रही थी, और करण की बेटी का सामना भी हुआ है करण से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि करण फिलहाल सभी को अपना कातिल मानता है, यानी कि प्रीता और ऋषभ को। लेकिन दोस्तों, वो अपनी माँ के लिए आज भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है अपनी माँ से और अपने फादर से। जी हाँ, क्योंकि करण का ये जो रूप देखने को मिलेगा, ये इन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इतना भयानक रूप देखने को मिलेगा। क्योंकि करण इस समय सबसे ज़्यादा अपसेट है, क्योंकि वो मानता है कि मेरे कातिल कोई और नहीं है बल्कि प्रीता और ऋषभ मेरे ही कातिल हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपना अफेयर चलाया था और मुझे मौत के घाट उतारा था। लेकिन दोस्तों, उस करण को पूरी सच्चाई का पता नहीं है, और देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आखिरकार प्रीता और ऋषभ के साथ में कितना बुरा सल्यूक करने जा रहा है करण। किसी लोगों ने भी अंदाज़ा नहीं लगाया है। करण ने हमेशा से ही बोला है कि मेरे से दूर रहना तो ही ठीक है। इधर बात की जाए तो करण इस समय सबसे ज़्यादा अगर किसी से नफरत करता है तो वो लूथरा परिवार से, यानी बहुत ज़्यादा नफरत करता हुआ नज़र आ रहा है। इधर करण की पियांसो इस समय जो कि उसकी मंगेतर जो कि शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन वो गुस्से में है, क्योंकि करण ने समय देके आया था कि 7 दिन का समय है, 7 दिन में मैं वापसी आ जाऊँगा तुम लोगों के पास में कनाडा। लेकिन दोस्तों, करण अब कनाडा नहीं जाएगा। करण का जो टारगेट है वो इस समय किसी भी तरीका से ऋषभ और प्रीता को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना और बर्बाद करना है, क्योंकि जो करण पर गुजरी है वो शायद किसी और पर गुजरी होगी। लेकिन करण को ये नहीं पता कि प्रीता और ऋषभ की वजह से नहीं, बल्कि वो जो गुजरी थी वो नताशा सैलन और पृथ्वी की वजह से ही गुजरी है। लेकिन दोस्तों, अब करण के गुस्से का जो अगला टारगेट है वो प्रीता और ऋषभ टारगेट को बना लिया है। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच।